हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पीडीएफ जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड में, उसके आगे का जो 10 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट फोर का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका समय न गवाते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था, इसके बाद हमको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ सकता है। शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ सकता है, यानी आगे जा सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा वापस आने में उसे तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंग्लिश में देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, हिंदी में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में कितना गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा में कितनी गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल कितनी गति हो जाएगी। देखिए, जब धारा के प्रतिकूल कहेंगे यानी धारा के प्रतिकूल, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स क्या होगा शांत जल में, ठीक है, शांत जल में व्यक्ति गति, और धारा की गति कितना 2 किलोमीटर, वाई हो जाएगा। तो 3 में 2 घटा हुआ कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा धारा के प्रति प्रतिकूल गति। ठीक है, तो अब उसका समय कितना हो जाएगा, अब यहाँ से उसका समय निकाल लो, 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल कितना समय लगेगा, तो टोटल 10/1 यानी 10 घंटे का समय लगेगा धारा के प्रतिकूल उसे जाने में। ठीक है, अब बताइए धारा की दिशा में गति, धारा की दिशा में गति कितना हो जाएगा, जब धारा की दिशा में पूछेगा, हमारे अपोजिट आने में दोनों घटा दे रहे हो। ठीक है, मान लीजिए धारा इस तरफ बह रहा है, अब हम इस तरफ से जाएंगे दोनों को घटा देंगे, लेकिन धारा की दिशा में जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अगर इसको जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो धारा की दिशा में उसकी गति कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना समय लगेगा ये निकालेंगे, तो 10/5 यानी कितना हो जाएगा 2 घंटा। अब पहले कितना आया था 10 घंटा, कितना हो जाएगा 10 × 2 = 12 घंटा टोटल क्या हो जाएगा समय लगेगा 10 किलोमीटर जाने में, 10 किलोमीटर वापस आने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है, तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो उधर से आने में उसको कितना गति होगा, धारा की गति कितनी होगी ये पहले निकालेंगे। तो दोनों जो भी दिया होगा, शांत जल में व्यक्ति की गति दिया होगा, धारा की गति, दोनों घटाएंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल क्या होगा इसकी आदमी की गति होगी। ठीक है, तब उसमें उसका क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा 10 घंटा का समय लगेगा। और जब उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे धारा की दिशा में अगर चलता है तो क्या होता है, दोनों क्या होता है जुड़ जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धारा की दिशा में जाएगा तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब दोनों टाइम को जोड़ लेंगे क्योंकि दिया धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, तो 10 + 2 कितना जाएगा 12 आवर, यानी 12 आवर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखिएगा क्या दिया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत 60 है, 3 संख्याओं का औसत क्या दिया है 60 दिया हुआ है। यदि प्रथम संख्या और सभी संख्याओं का योग 1/4 है तो प्रथम संख्या है, यदि प्रथम संख्या और सभी संख्याओं के योग का 1/4 है तो प्रथम संख्या क्या होगा। तो 3 संख्याओं का औसत कितना 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3 × 60 औसत वाले फार्मूला से। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए 3 संख्या, जैसे औसत बराबर क्या लिखते हैं, सभी अंकों का जोड़ बटे सभी अंकों की संख्या, तो औसत दिया 60, सभी अंकों की संख्या 3 दी हुई है, सभी अंकों का जोड़ निकाल लेंगे। समझ में आया ये चीज़, नहीं समझ में एक बार देखना औसत बराबर क्या होता है, अच्छे से लिख देता हूँ, औसत बराबर क्या होता है सभी अंकों का योग बटे सभी अंकों की
संख्या, यानी फॉर्मूला होता है सभी अंकों का योग बट्टे सभी अंकों की संख्या। तो सभी अंकों का योग निकालते हैं यहाँ से, संख्या कितना दिया 3, औसत कितना दिया 60, 60 गुणे 3 हो जाएगा तो सभी अंकों का योग निकल जाएगा। 60 गुणे 3 कितना हो जाएगा 180, 180 आपका क्या हो जाएगा सभी अंकों का योग हो जाएगा। तो कह रहा प्रथम संख्या और सभी संख्याओं का 1/4 है, तो सभी संख्याओं का योग कितना दिया है 180, 180 का क्या हो जाएगा 1/4 निकाल लो 45, तो क्या है वही प्रथम संख्या है, क्योंकि बोल रहा है इस क्वेश्चन में प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, कितना हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखिएगा कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना आपको, कैसे ज्ञात करेंगे 7 लगातार संख्या, मान लेते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 6, 7 संख्या हो गया। ठीक है, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6। और देखो 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो 7ों के संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 × 7 = 140, और सबको ये जोड़ो तो 6 × 5 = 11 4 × 15 = 18 2 × 20 = 21, 7x + 21 = 140। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में एक बार और समझो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने सभी संख्याओं का योग निकाल दिया, अभी मैंने जैसे फार्मूले में बताया था 140 आया, अभी 7 संख्या हमने मान लिया, 7 संख्याओं को जोड़ दो, 7ों संख्याओं को जब जोड़ोगे, जब इसको पूरा टोटल करोगे तो कितना जाएगा 7x + 21, और इसका योग कितना दिया हुआ है 140 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से x का मान निकालोगे तो देखो कितना आएगा आपका 7x + 21 = 140, 7x बराबर कितना जाएगा 140 − 21 = 119, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, x बराबर 17, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x प्लस 6, यानी 17 × 6 = 23 आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ इंजीनियर एक डिज़ाइन को 40 दिन में बनाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं बनाते हैं। ठीक है, कुछ इंजीनियर एक डिज़ाइन को 40 दिन में बनाते हैं, यदि 5 और इंजीनियर आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त होता है, तो बताइए कि शुरुआत में कुल कितने इंजीनियर थे। आपको ये बताना है कि कुछ इंजीनियर एक डिज़ाइन को कितने दिन में 40 दिन में बनाते हैं। ठीक, यदि 5 और इंजीनियर आते हैं, मान लीजिए एक इंजीनियर थे, ठीक है, उसमें अगर 5 इंजीनियर और आ जा रहे हैं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाते हैं, 40 × 10 = 30, यानी 30 दिन में समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि शुरुआत में कुल कितने इंजीनियर थे, तो टोटल मान लेते हैं आपका ई इंजीनियर थे, ठीक है, गुड़े 40 आपके हो गए दिन हो गए, ई इंजीनियर हो गए, फिर अगर ई अब प्लस 5 मजदूर इंजीनियर और बढ़ गए तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 10 कम हो जा रहा है, यानी 30 हो गया। अब यहाँ से ई का मान निकालो, आपका राइट आंसर हो जाएगा 40e = 30e + 150। ठीक है, 40 × 10 = 10e, 10e = कितना हो जाएगा 150, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 15। तो शुरुआत में कुल कितने इंजीनियर थे 15, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क एंड डेज वाला जो भी ऐसा होगा क्वेश्चन, इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, आपका आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 ये ट्रिग्नोमेट्रीज है। ट्रिग्नोमेट्रीज देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आता है। यदि टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इज, तो टैन थीटा का मान पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिंपल सा मैं बात बता दे रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ये दिया टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। ठीक, अब यहाँ से टैन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1/2। कैसे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करूँगा मैं। अब यहाँ से आपको ये फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है कि नहीं पता है, पता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी
को लिखूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कट के कितना जाएगा वन आ जाएगा, यानी वही फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब दोनों को क्या करो आप ये घटा दो, क्योंकि हमें टेन थीटा चाहिए सेक थीटा चाहिए तो जोड़ देना, टेन थीटा चाहिए तो घटा दो, सेक थीटा कट जाएगा ये हो जाएगा टू का टेन थीटा और टू माइनस वन बाई टू कितना जाएगा थ्री बाई टू, यानी टू टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, तो टू टेन थीटा बराबर थ्री बाई टू एंड टेन थीटा बराबर थ्री बाई फोर। ठीक है, टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर उस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी थ्री बाई फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना है आपको दिया, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर रूट थ्री हो तो मान पूछा है कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, इसका मान पूछा है कितना होगा आपको ये बताना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको निकालना ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब कर दो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ये आप पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी या थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक, इसमें देखो क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर रूट थ्री दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हमको क्या करना है क्यूब करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्यूब बराबर रूट थ्री का क्यूब, रूट थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्यूब कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब क्यूब थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस थीटा सेक थीटा इंटू में कट जाएगा क्योंकि सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, इसका मान कितना होता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान रूट थ्री, तो यहाँ से प्लस थ्री इंटू रूट थ्री। अब देखिए फाइनल कितना जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, ठीक है कितना जाएगा सेक क्यूब थीटा और थ्री और इसका मान रूट थ्री बराबर कितना थ्री रूट थ्री के बराबर है, तो फाइनली आपका आ जाएगा कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा प्लस थ्री रूट थ्री बराबर थ्री रूट थ्री, तो दोनों बराबर के इस तरफ है प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा कट जाएगा जीरो बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली आपका फाइनली हो जाएगा कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा बराबर जीरो, तो कितना हो गया इसके बराबर जीरो। 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो इस क्वेश्चन को लेकर, यदि x प्लस वाई बराबर 7 दिया हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 21 एक्स वाई का एक्स वाई का मान कितना होगा आपको ये बताना है। सिंपल सा अभी भी जो मैंने आपको फार्मूला बताया ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसकी जगह आप लिख सकते हो थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में सेवन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो यानी एक्स प्लस वाई बराबर साथ यानी इसकी जगह लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, सेम फार्मूला बन गया यानी ए प्लस बी की जगह में क्या रखना है सात रखना है और सात का क्यूब कर देंगे तो आपका 343 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखिए क्या दिक्कत आपको क्या समझ में नहीं आएगा, जैसे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया ना और इसकी जगह लिखो थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया सात दिया सात तरीके का इस वही चीज़ बन गया, किसका फार्मूला हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यू, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया सात दिया सात का क्यूब कर दोगे तो 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पास आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स प्लस नाइन बाई एक्स बराबर सिक्स दिया है, पूछ लिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई एक्स स्क्वायर, आप लोग छोटे क्लासेज में पढ़े होंगे इसकी जगह ये दिया होता है थ्री एक्स का सिक्स आराम से बन जाता है एक्स स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर,
तो आराम से यहाँ पर बन जाता था आपका, जैसे कि मान लीजिए अगर थ्री रहता है यहाँ पर तो यहाँ पर स्क्वायर करके या लिख लेते आराम से बन जाता आपका। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया है एक्स प्लस नाइन बाई एक्स बराबर सिक्स। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन यही है और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स प्लस थ्री बाई एक्स तो दिया नहीं है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, आपका दिया हुआ है एक्स प्लस नाइन बाई एक्स बराबर सिक्स, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा देखिएगा आप लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ जैसे एक्स प्लस नाइन बाई एक्स बराबर सिक्स है ना, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर नन्नवा का इक्यासी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू नाइन इंटू एक्स बाई एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, दून नवा अठारह बचेगा, छत्ता का छत्तीस, ठीक है। छत्तीस में से अट्ठारह जाए बचेगा अठारह, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एट्टी वन बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं समझ में, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एट्टी वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एटीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 36 माइनस 80, देन आई विल गेट 18, ठीक। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस इतना हो गया, अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस इक्यासी बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 18 बराबर जीरो। इसकी जगह आप 2 इंटू नाइन बाई एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, ये आपका फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, देखो ध्यान से, इसकी जगह नो स्क्वायर बटे एक्स यानी नाइन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस नाइन ये बाई एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स माइनस नाइन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर जीरो, यहाँ से एक्स बराबर नाइन बाई एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर नाइन, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया नाइन। अब पूछा किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जगह नो रख दो, नौ प्लस नौ बट्टे नौ इन्होंने कैंसिल हो जाएगा, नौ प्लस एक कितना हो जाएगा आपका दस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अट्ठारह का ऑप्शन नंबर सी दस आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए को दिया क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ए बी सी का कोण ए का समकोण है, ठीक है। ए बी सी का कोण ए समकोण यानी राइट एंगल है, तो ए डी बी सी पर क्या है लंब है, यानी ए डी क्या है बी सी पे लंब है, ठीक है। बी सी का मान 14 सेंटीमीटर, बी डी का मान 5 सेंटीमीटर दिया हो, तो ए डी का माप पूछा है। सिंपल सा एक पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप लोग, ठीक है। आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए क्या समकोण है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक। ये आपका डी यानी ए डी का मान पूछा है। अब बी सी का मान कितना दिया, टोटल यहाँ से दिया है 14 सेंटीमीटर, अब बी डी का मान 5 सेंटीमीटर, 14 में से 5 है 9, यानी डी सी का मान कितना हो गया आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। कैसे, क्योंकि बी सी टोटल लेंथ कितना दिया 14 सेंटीमीटर, जिसमें बी डी का माप 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 में से 5 है, सी डी का मान 9 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा ए डी का मान पूछा, एक चीज़ आप अपने दिमाग में नोट कर लेना कि अगर ऐसा कभी आए आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो जो बी डी होता है ना, बी डी और सी डी का आपस में गुणा कर दोगे तो ए डी इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप नोट कर लेना कि जो ए लंब है, जो लंब की लंबाई अगर इसको निकालना पड़े तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, यानी 5×9 बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9×5 9×5=45, तो ए डी बराबर अंडर रूट 45, यानी क्या इतना हो जाएगा 9×5 यहाँ से अंदर 9 बाहर निकल जाएगा 3√5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए डी का मान कितना हो जाएगा 3√5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ऐसे फार्मूला, बस आपका यही कॉन्सेप्ट था कि कैसे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ए डी स्क्वायर जो कि यहाँ पे आपका लंब है उसके बराबर स्क्वायर का कितना बराबर हो जाएगा बी इंटू डी, बी डी इंटू सी डी के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्चे भी 10% बढ़ते हैं, तो बचत कितने प्रतिशत होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा दिया है, नहीं कराया तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है 100 है, 100 में से 75% खर्च कर देता है, बचेगा कितना 25%,
ठीक है। अब 20% बढ़ जाता है तो 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120। अब 75 खर्चा कितना बढ़ता है 10%, 75 का 10% कितना हो जाएगा, 75 का 10% हो जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा टोटल 7.5। जब मल्टीप्लाई जब 75 का जब 10% निकालेंगे तो 7.5 होगा, और उसको क्या करेंगे 75 में से 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। अब 120 में से 82.5 जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 37.5, ठीक है। तो बचे बचत कितनी होगी उसकी 37.5%। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से 37.5% हो गई तो बचत पहले कितना था 25, अब बचत है 37.5, इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा 12.5, 12.5 बचा। अब 12.5 बटे पहले बचत था 25 गुड़े 100, अब यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% का क्या हो जाएगा इसके बचत में कितना बढ़ोतरी हुई 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना एक बार और है तो देख लीजिएगा, पहले मान लेते हैं 100 उसका आय है, ठीक, 75% खर्च कर देता है बचता है 25, ठीक, 20% बढ़ता है तो 100 का 20% 20, तो 20 100 में से 20 जोड़ोगे 120 हो गया, 75 का 10% 7.5 इसमें मल्टी जोड़ोगे तो 82.5 हो गया, दोनों में से घटाएंगे तो 37.5, यानी पहले बचाता था 25 अब बचा रहा है 37.5, बढ़ोतरी कितनी हुई 12.5 की, अब पहले कितना था 25, तो 12.5 बटे 25 गुड़े 100 यानी 50% उसको क्या होगा बढ़ोतरी होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड है, ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट फोर्थ में चलते हैं, इसमें देखिएगा आपको मैंने शायद दो को या तीन क्वेश्चन शायद करा दिया है, शायद ये क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद ये बात बाकी है। तो अभी मैंने आपको ये करा दिया था, ये बोला था आपको कराने के लिए, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। अब आप लोग इसमें का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग हमको होमवर्क के रूप में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप लोग सॉल्व कीजिए, बाकी का क्वेश्चन मैं अगले दिन सॉल्व कराऊँगा क्योंकि आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करा दूंगा, आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने इसका PDF नहीं लिया तो आप लोग जाकर PDF जरूर ले लीजिएगा और वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास जब PDF होगा तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने टाइम के अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।